वाहगुरु 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 वाहेगुरु सब लागे अपने ही सुख सों सब लागे क्या दारा क्या नी दारा क्या मीत जगत में झूठी देखी पीत झूठी देखी पीत जगत में झूठी पीत झूठी देखी पीत।
मेरो मेरो सब कहत है। मेरो मेरो सब कहत है। हित स्यों बांधे ओ चीत, हित स्यों बांधे ओ चीत, अंत काल संगी न को, अंत काल संगी न को, एह अचरज हरीत, एह अचरज हरीत, जगत में झूठी देखी पीत, झूठी देखी पीत, जगत में झूठी देखी पीत, झूठी देखी पीत। मन मूरख अजहूं न समझत, मन मूरख अजहूं न समझत, सिख दहारे उनीत, सिख दहारे उनीत, नानक पौजल पार पर, नानक पौजल पार पर, जो गावे प्रभ के गीत, जो गावे प्रभ के गीत, जगत में झूठी देखी पीत, झूठी देखी पीत, जगत में झूठी देखी पीत, झूठी देखी मन मूरख अजहूं न समझत, मन मूरख अजहूं न समझत,
हार्यो नी सिख दहार्यो नी नानक पाव जल पार पर नानक पाव जल पार पर जो गावे प्रभ के की कब के जगत में झूठी देखी प्रीत झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी टूटी देखी अपने ही सुख सों सब लागे अपने ही सुख सों सब लागे क्या धरा कमी क्या धरा कमी जगत में झूठी देखी झूठी देखी जगत में झूठी देखी झूठी देखी जगत में झूठी देखी झूठी देखी जगत में झूठी देखी प्रीत शरीरां दे रिश्ते शरीरां दे नाल जुड़े हुए हुंदे हन अपने अपने रिश्तियां दे मुताबक शरीरां वाले उन्हां रिश्तियां नूं पुकारदे हन उन्हां रिश्तियां दे मुताबक उन्हां दियां प्रीत दियां गल्लां कीतियां जांदियां हन कोई कह दिंदा है मां ते पुत दी प्रीत पिता ते पुत दी प्रीत कोई भैण भरावां दी कोई संबंधियां दी आदिक जैसे जैसे किसी ने रिश्ते जाने तिवें तिवें ही प्रीत दियां गल्लां कीतियां पर धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ऐसी प्रीत नूं झूठी प्रीत कह रहे हन झूठी प्रीत क्यों कहिंदे असीं वेखिआ इह तां सारे दे सारे
अपने ही सुखाना लगे हुए हैं। चाहे स्त्री है, चाहे मीत हन, रिश्ता कोई भी किसे नाल कैसा है, पर हर रिश्ते वाला ही अपने अपने सुखा नाल जुड़िया हुए। पितर बाणी विच अमृत बचन हन, असी कह देंदे हाँ कि मां दी पुत्र नाल प्रीत है, पर वह कहिंदे किवें, ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आछा, बड़ा हुए तन खाट दे कर भोग बेलासा। जननी तां इस करके पुत्र नूं पालती है, वड्डा होएगा धन कमा के देगा, सेवा करेगा। ये भी अपने अपने सुखां नाल जुड़ी हुई है। मोह दे बंधन हन, कहिंदे असी होर वेखिया, कामन लोड़े सोयना रूपा, मित्र लुड़ेन सोखा दाता। अपने अपने स्वार्थ नाल जुड़े हुए, अपने अपने हितां नाल जुड़े हुए। किसे नूं हित है कपड़े दा, किसे नूं हित है चांदी ते सोने ते कपड़े दा, किसे नूं हित है पदार्थां दे भोगां दा। इन्हां दी प्रीत तां पदार्थां दे भोगां तक है। किसे दी प्रीत अपनी निजी लोड़ां तक है। यह जिउंदे दे ही साथी नहीं हन, मरण तो बाद तां इन्हां ने किहड़ा साथ देना है। तां श्री गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अंतकाल संगी नह कहू, यह अचरज है रीत। यह मेरो मेरो कहण वाले ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਦਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕੋ, ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਧਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ये शिव सलाह दे गीत गाउण वाले, ये सच्चे दी शिव सलाह दे गीत गाउण वाले, ये सच्चे दी आराधना करन वाले, सच्चे दी आराधना कर करके ये सच नूं ही अंदर बसा लैंदे हन। मैं बेनती करां, सच सिर्फ रसना ते बोलन वास्ते ही नहीं हुंदा, सच सिर्फ मंदिर जां गुरुद्वारे ही बोलन वास्ते नहीं हुंदा, सच तां ओह है जो इखलाक विच भी सच होवे, जीवन विच भी सच दा प्रकाश हो जाए। जे मैं इन्हां सचियारां दी गल करां जिन्हां ने सच दी आराधना कर करके सच नूं वसा लिया, मैं ते इह कहांगा सच दे सिवा इन्हां दे कोल होर कुछ हुंदा ही नहीं, इन्हां कोल सच ही सच है। इन्हां दे अंदर सच वसण करके इन्हां दा मन भी सच्चा, मन सच्चा होण करके इन्हां दे मन दे संबंधी ज्ञान इंद्रे ओह भी सच्चे ते सुच्चे हुंदे हन, भाव इन्हां दी देखणी भी निर्मल हो जांदी है, इन्हां दा बोलना भी मिठा, इन्हां दा सुनना भी सच दा, इन्हां दा सुनना भी सच दा, इन्हां दा चखना भी सच दा। एक बेनती करांगा, सुगंधी विच सुगंधी तां समा सकदी है, दुर्गंध नहीं, दुर्गंध बिन सजाएगी समाएगी नहीं। रोशनी विच रोशनी तां समा सकदी है पर अंधेरा नहीं, अंधेरा बिन सजाएगा पर रोशनी विच समाएगा नहीं। वचन है सच दे बराबर होर कोई सच हुंदा ही नहीं, इस करके निर्वैर है। सच तो वड्डा होर कोई सच हुंदा ही नहीं, इस करके निरपाओ है। सच आपे आप सच है, इसे सच नूं कहा सी आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस करके सच दी आराधना करन वाला, आराधना कर करके सच नूं अंदर टिकाउण वाला, उस दे इखलाक विच सच होएगा, सिर्फ रसना ते ही नहीं पर एक विचार करन वाली गल है। इह सचियार ने जिसने सच दी आराधना कर करके सच नूं अंदर टिकाया, इसने मार्ग कित्थों प्राप्त कीता, इह सवाल है। कह दिता है सच तां पर जानी है जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नूं पुछ कै बहरा करे निवास। सतगुरु नूं पुछ के इसने गुरु दी वाट ते चल के, गुरु तो वाट पुछ के, गुरु दे मार्ग ते चल के, गुरु तो मार्ग प्राप्त करके, जिवें बाबा फरीद जी दे अमृत बचन हन, कहिंदे हन जे गुरु दसै वाट मुरीदा जोली है। मुरीद कौन है? जो गुरु दी वाट ते चलदा है, गुरु दे दित्ते हुए मार्ग ते चलदा है। भाई गुरदास जी ने जदों मुरीद दी गल कीती एक गल कही, मुरदा होए मुरीद ना गली होवना, साबर सिदक शहीद परम पोख होवना। कहिंदे मुरदा होए मुरीद, मुरीद गली बाती नहीं हो सकता, अपने मुरशद दा मुरीद गली बाती नहीं, अपने मुरशद लई वो आपा वारदा है, अपने मुरशद लई अपनी सोच नूं त्यागदा है, मुरशद दी सोच अपनाउंदा है, अपने मुरशद दे लई अपनी मत नूं त्यागदा है, अपने मुरशद दी मत अपनाउंदा है, अपना मार्ग त्यागदा है, अपनी अकल दियां जुगतां वाला गुरु दी सिख्या लैके उस मार्ग ते चलदा। ऐसा मुरीद जो है उस दे कदे दिदार करिए उस दे जीवन च, उस दे विच सबर भी है,
सिद्क भी है ते उस दे अंदर ही ओ शहीदी दा फलसफा है आखो वाहिगुरु, क्योंकि उस दे अंदर त्याग दी बिरती है। संसार दे विच अनेकां बिरतियां हन, पर देण दी बिरती वाले कोई विरले विरले हुंदे हन, लैण दी बिरती वाले अनेकां हन, पर देण दी बिरती वाले विरले विरले। देण दी बिरती वाले संसार नूं सुख दिंदे हन, संतोख दिंदे हन, सबर दिंदे हन, सहनशीलता दिंदे हन, अपना सरबंश दिंदे हन, अपना पुत्र वार दिंदे हन, अपना पिता वार दिंदे हन, अपनी सपत्नी वार दिंदे हन, प्यारे प्यारे गुरसिख वार दिंदे हन। जे नहीं वारदे ते सिद्धक नहीं वारदे। सिद्धकिया ने अपने आप नूं तां कुर्बान कीता है, पर सिद्धक नहीं वारिया। ऐसे सचियार जिन्होंने गुरु की दित्ती हुई वाट ते चल के अपने जीवन की जुगत बनाई, हुण गुरु की वाट की है? बाबा फरीद बोले, बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है। मैं बेनती करां, बाबा फरीद जी कहिंदे सच तां बोलना ही बोलना है, पर धर्म दे कंडे, धर्म दे कंडे दा भाव की है? सच सिर्फ रसना नाल बोलना ही नहीं, सच नूं कमाउणा भी है। झूठ ना बोलण दी दृढ़ता भी कमाउणी है। ये नहीं कि मैं जीभ नाल झूठ नहीं बोलदा, लेकिन झूठ ना बोलण दी दृढ़ता भी है। रसना नाल सच बोलना है, पर सच नूं कमाउण दी दृढ़ता भी है। पर सवाल यह है, जे मैं रसना नाल सच बोलांगा नहीं ते अंदर सच वसेगा भी किवें? आखो वाहिगुरु, बोलना तां रसना नाल पेगा। जे मेरी जबान ते सच नहीं, अंदर सच किवें वसेगा? बेनती करां, जे मैं ग्राही मूंह विच नहीं चितदा, बारंग बार नहीं चितदा, भोजन नूं बार बार नहीं चितदा, अंदर कैसे खून बनेगा? जे खून नहीं बनेगा तो चेहरे ते लालियां किवें प्रगट होणगियां? भोजन मूंह विच पाउणा ही पएगा, मूंह विच पा के बारंग बार उस नूं चिथणा पएगा, फिर ही हजम होएगा। असीं इह वी वेख्या, धरती ते बीज बोया जांदा, पर जे कोई कहे मैं धरती दे उपर ही बीज नूं सुट दियां ते पुंगर पेगा नहीं। जिनी देर तक धरती दे कुख विच ना चला जाए, आखो वाहिगुरु, धरती विच कुख विच गया होया बीज समा पा के पुंगरेगा, पुंगर के प्रफुल्लित होएगा, किसे दिन फुलां राही खिड़ेगा। हो सकदा है ओ फुलां ने फल बनना है, फल पक्कणगे, मुड़ के वह बीज फल विच मुड़ के प्रगट हो जाएगा। जे अगर धरती दे उपर सुटिया होया बीज पुंगरदा नहीं, जिनी देर तक धरती दी कुख विच ना चला जाए, पर बीज नूं कुख विच भेजण लई भेजना तां धरती दे उपरों ही होएगा। इसे तरह जे अगर ग्राही पाउण तो बाद अंदर जांदी है ते खून बनदा है, जबान ते सच होएगा, सचो सच होएगा, सचो सच दृढ़ होएगा, बारंग बार जबान सच बोलेगी, सच बोलती रहेगी, वो अंदर सच वस जाएगा। जदों अंदर सच वस जाएगा ते वो साढ़े जीवन की पितरता दे विच प्रगट हो जाएगा, वो सचियार दे आदर्श विच प्रगट हो जाएगा, उस दे इखलाक विच प्रगट हो जाएगा, उस दे सुभाव विच प्रगट हो जाएगा, उस दे वर्ताव विच प्रगट हो जाएगा। इस करके समझाया। हुण कहण वाले कई सवाल करते हैं,
तुसी सचियार दी गल तां सानू सुणा दित्ती, पर असी संसार विच वेखिया संसार दे लोकी सच तां इस करके बोलदे हन कि किसे दा नुकसान होवे, कूड़ इस करके बोलदे हन कि अपना भला हो जाए। संसार विच वेखिया संसार दे लोकी कहिंदे, सवाल करन वाले कहिंदे हन लोकी सच तां बोलदे इस करके हन किसे दा नुकसान होवे, कूड़ इस करके बोलदे हन कि अपना भला हो जाए, फिर पहचान किवें होवे। मैं एक बेनती करांगा, देखना बाहरले चिन्ह वेखी दे हन, पर जितनी देर तक उस चिन्ह दे मुताबक अंदरों प्रगट ना हो जाए सानू तसली नहीं होती। मिसाल दे तौर ते असी क्रास दा निशान वेखदे हां, पर अंदर कोई बाइबल पढ़ रहा होवे सानू तसली हो जाती है कि यह चर्च है। बाहरों कोई सानू मंदिर दा निशान नजर आ जाए, पर अंदर उस मंदिर दे मुताबक चिन्ह प्रगट हो जाए सानू तसली हो जाती है कि मंदिर है। बाहरों निशान सब लग्या होवे, अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश होवे, सानू तसली हो जाती है कि गुरुद्वारा है। जो बाहरले चिन्ह वेखी दे हन उन्हां चिन्हां दे मुताबक उन्हां निशानां दे मुताबक जे अंदर भी उस मुताबक ही चिन्ह ते निशान प्रगट हो जाते हैं सानू तसलियां हो जांदियां हन, ये अंदरों बाहरों इक्को जिहा। आखो वाहिगुरू, अंदरों बाहरों इक्को जिहा, पर वेखण वाली गल की है। जे मैं इस बंदे नूं पुछां जैस मनुख नूं पुछां तो यह तो अपना बाहरों चेहरा भी अपने आप नहीं देख सकता, इस नूं शीशे की लोड़ पैंदी है। ये अपना अंदरला स्वरूप किवें वेखे? आखो भाई, मैं सच कहां साड़ियां अखां जिहड़ियां हन अपनियां अखां अपने आप नूं नहीं वेख सकदियां, शीशे की लोड़ पैंदी। अखां विच पिया होया सुरमा अखां दे किन्ना नज़दीक है, इस तो नज़दीक होर कोई नहीं, लेकिन खुद अखां अखां विच पए हुए सुरमे नूं नहीं वेख सकदियां। दास कई बारी यह भी कहिंदा कि मैं अपने मन नूं समझाउणा चाहुंदा, पर मैं अपने मन नूं अपने मन नाल नहीं समझा सकता, क्योंकि दोनों का सुभाव इक्को जिहा। समझावां किसनूं? मैं हुण अपने मन नूं समझाउण लई अपने मन द्वारा समझावां नहीं समझा सकांगा, क्योंकि समझण वाला मन भी उसे सुभाद है, समझाउण वाला मन भी उसे सुभाद है। इस करके मैनूं ओह मन चाहीदा है जिहड़ा मन मेरे सुभाव दे मेरे वर्ताव दे मन दे अनुकूल ना होवे, सच्चा सुचा मन होवे, जिहड़ा मैनूं सच्चा राह दिखा देवे, उही मेरे मन नूं तब्दील कर सकदा। जदों ऐसियां विचारां सामने आउंदियां ने इह मनुख अपने चेहरे नूं बाहरले चिन्ह नूं अपने आप नहीं वेख सकदा, शीशे की लोड़ है, ते शीशा तां झूठ बोलदा ही नहीं। आखो वाहिगुरू, शीशे ने झूठ बोलना भी नहीं, शीशा कदे झूठ नहीं बोलता, जो शीशे के सामने आना उसने प्रगट कर देना, जो दाग सामने आने ने शीशे ने प्रगट कर देने, जो शीशे ने वेखना जो उसका अक्स पैना शीशे ने प्रगट कर देना। जे शीशा झूठ नहीं बोलता, बाहरले चिन्हों नूं प्रगट कर देता है, अंदरले चिन्हों नूं प्रगट करने लई शीशा है गुरु, गुरु रूप शीशा। आखो वाहे, अंदरा शीशा है गुरु, गुरु रूप शीशा, गुरु रूप शीशा भी झूठ नहीं बोलता, उसने मनुखता विच आईया हुई कमियां दस देनिया ने, उसने साढ़े औगण दस देने ने,
उसने साडे जीवन च मंदियां वास्तवां नूं प्रगट कर देना। गुरु रूप शीशे ने यह दस देना कि मंदे कर्म तू की कीते ने ते की कर रहे। आखो वाहिगुरु। गुरु रूप शीशे ने प्रगट कर देना कि अज इंसान जो है शैतान क्यों बन गया। आखो वाहिगुरु। मैं बेनती करा, परमात्मा ने कोई कठपुतली बना के नहीं सी भेजी, पूरा इंसान भेजा सी। मैं सच कहां अंदर भी इंसान सी, बंदे नूं कोई कठपुतली बना के नहीं सी भेजा, अंदर बंदा भेजा सी। पर की होया, अज बंदा अपने आप नूं बंदा कहलाउण वाला पर अंदरों बंदा गवाच गया लगता। आखो वाहिगुरु। अज बंदे अंदर बंदा नजर नहीं आ रहा, अज इंसान के अंदर इंसान नजर नहीं आता, शैतान नजर आता। आखो वाहिगुरु। अज बंदे अंदर बंदा लभना मुश्किल है, अज इंसान के अंदरों इंसान लभना मुश्किल है, लेकिन गुरु रूप शीशा प्रगट कर देगा इंसान का स्वरूप की है शैतान की है। गुरु शीशे ने दस देना, हे बंदे तेरे अंदर बंदगी है कि नहीं। आखो वाहिगुरु। सैयद मियां मीर जी अपनी कुटिया विच बैठे सन, बाहरों किसी ने दरवाजा खड़काया। सैयद साहब बोले, दरवाजा खड़कौन वाले किसनू मिलना? कहिंदे जी तुहानू मिलना। कहिंदे की काम है? कहिंदे जी मैं तुहाडे कोल असीस लेना है। जिवें तुसी भी गुरु की हजूरी विच बैठे, गुरु कोल असीस लैण आए। कहिंदे मैं असीस लैण आया। सैयद मियां जी वीर जी फिर बोले, की काम है भाई? कहिंदे असीस लैण आया। तां सैयद जी बोले, गल सुन, असीस मंगण वाले जे तू बंदा है पहला ये सोच लै कि तू बंदा भी है। आखो वाहिगुरु। जे तू बंदा है तो सुन, बंदगी ही बंदे लई असीस है। आखो वाहिगुरु। बंदे लई बंदगी ही असीस है, जे बंदगी नहीं तो बंदा भी नहीं। आखो वाहिगुरु। जे अंदर सच नहीं तो सचार नहीं, सो सच मंदर जित सच ते आई है। आखो वाहिगुरु। जे मंदिर सच ही नहीं, मन मंदिर, मन अंदर, मन मंदिर, मन अंदर मंदिर, अंदर सच नहीं ते मंदिर की है। आखो वाहिगुरु। क्योंकि सच्चे दे दीवान कूड़ ना जाइए, सच्चे दे दरबार कूड़ जाता ही नहीं, प्रवान हो ही नहीं सकता। आखो वाहिगुरु। सो हिरदा सुहेला जित हर गुण गाइए, हिरदा उही सुखी है जिते हरी दे गुण गाए जाते हैं। जे बंदे लई बंदगी ही असीस है तो गुरु रूप शीशे ने प्रगट की, पर गुरु रूप शीशे ते शीशे विच अंतर भी है। शीशा सिर्फ दाग दसदा है, हटाउंदा नहीं, पर गुरु रूप शीशा सिर्फ कमियां दसदा ही नहीं, हटाउंदा भी है। आखो वाहिगुरु। गुरु रूप शीशा सिर्फ दाग दसदा नहीं, हटाउंदा भी है। गुरु रूप शीशा औगड़ दसदा ही नहीं, हटाउंदा भी है। गुरु शीशा सिर्फ समस्या दसदा नहीं, बल्कि समस्या का हल भी करता, चाहे कश्मीरी पंडतों की समस्या क्यों ना हो। आखो वाहिगुरु। उसका हल दसदा, उस समस्या का हल दसदा, अपने आप को कुरबान तो कर देता, लेकिन सच को कूड़ पिछे कुरबान नहीं हो देता। आखो वाहिगुरु। गुरु शीशा दसदा मनुखता की भलाई किवें है, मानवता का कल्याण किवें है, परमात्मा की जो सारियां विच इक्को जी किवें है। आखो वाहिगुरु। गुरु रूप शीशा दसदा, गुरु रूप शीशा दसदा, एक पिता एक इसके हम बारक तू मेरा गुरहाई, गुरु शीशा दसदा। आखो वाहिगुरु। गुरु रूप शीशा दस रहा है, हे बंदे तू चंगी तरह वेख तो सही, इस जगत विच जिउंदे तेरा मीत है कौन। आखो वाहिगुरु। मीत तो तू बड़े बनाए ने, पर देखता सही तेरा मीत कौन है इन्हां विचों, किवें कहिंदे हन। आओ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का अमृत बचन इस शब्द राही पढ़िए, समझाउंदे हन कैसे देख तेरा मीत कौन है। आखो वाहिगुरु।
जग मीत ना देखियो कोई, एह जग मीत ना देखियो कोई। एह जग मीत ना देखियो कोई, एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागे सगल जगत अपने सुख लागे दुख में संग न हो निर्धन देखियो नारी को जब ही निर्धन देखियो नारी को बोरे को कहो कहां जमन बोरे को इन श्यो
दीना नाथ सकल वैकंजन नाथ सकल वैकंजन जस ताको विसरायो जस ताको विसरायो एह जग बीत ना दे स्वान पूछ ज्यों पे ओ ना सूदो स्वान पूछ ज्यों पे ओ ना सूदो बोथ जतन मैं की नानक लाज बिरद की राखो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहार सगल जगत अपने सुख लागे ओ सगल जगत अपने सुख लागे ओ दुख में संग संग न होई एह जग बीत न देखियो कोई बीत न देखियो कोई एह जग बीत न ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
फिर गुरु रूप शीशे ने प्रकट कर दिता। आखो वाहिगुरु, हे इंसान, फिर तू कूड़ दे नहीं हो पिछे, वो कूड़दा नहीं हो जिस नाल करतार विसर जाता है। कूड़ कूड़े नहीं हो लगा विसरिया करतार, जिस नाल मालिक प्रभु विसर जाए उस कूड़ लई वो कूड़ दा पसारा और कूड़ दे पसारे विच रहन वाले वो जीव उना कुड़ियारा प्रति तू सब कुछ करी जाना है। जिना प्रति ये बोले सी सच्चे पाशा कल कालक बेताल। आखो वाहिगुरु, बंदे दा स्वरूप ता बंदे वर्गा है पर बंदा पूतना बन गया है। जो तो बंदे अंदर वो चिन्ह अंदरों प्रगट ना होन, जेड़े बंदे दो प्रगट करते ने ते कहंदे ने कल कालक बेताल, वो फिर बंदा बंदा नहीं दिखाई देंदा। कहंदे ये दस तू ना कुड़ियारां लई कूड़ दे निहों लई तो सब कुछ करदा है पर कदे सच लई भी कीता। देखो कहंदे एक दिन इस तरह कर लै, आप अजमा के वेख लो कि कूड़ दे त्याग लई ते सच दी प्राप्ति लई वर्त रख सकते हाँ। एक दिन करके वेख लिए भी अज सारा दिन कूड़ नहीं बोलना सच बोलना। मैनू तो लगता है दिन तो बहुत औखा है, कुछ घंटा ही लंघना बहुत औखा है, क्यों साडा सुभाव ही ऐसा बन गया है साढ़े को सच बोलिया नहीं जाना। साढ़े को सच सुनना ही बड़ा औखा है, कहिंदे सच सुनना बहुत औखा है। जिन्हां दा सुभाव विच कूड़ वसिया होवे उहनूं सच कड़वा लगता है, सच कौड़ा लगता है। कहिंदे वर्त रख के देख तां सही, तू बाकी वर्त रखदा है पर इस वर्त नूं कदे सोचिया कि मैं अज तू अन छड्डण दा वर्त रख लैना, पर कदे कूड़ दे त्याग ले भी वर्त रख। पितर बाणी विच क्या छोड़ा है, अन करें पखंड ना उस वागन ना ओ रन। पर कहंदे कदे कूड़ दे त्याग लई वर्त रख, वर्त रख कहंदे पितर बाणी विच, सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान इशना। मैं सच कहां जी अंदर सच होएगा ना ते संतोख जरूर होएगा। कूड़े नूं कदे संतोख आ ही नहीं सकता, कूड़ा तां तृष्णालू है वो संतोखी हो ही नहीं सकता। जिस दे अंदर कूड़ दा नियो है उस दे अंदर तां हिंसा है, हेत है, लोभ है, कोप है, ये चार अग दियां भयंकर नदियां हन। तृष्णा करके आ सारा संसार हिंसा विच है, मोह करके संसार हिंसा विच है, लोभ करके संसार हिंसा विच है, कोप क्रोध करके संसार हिंसा विच है, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग। आज संसार भड़किया होया, नफरत क्यों है, दुबदा क्यों है, क्योंकि कूड़ दे निहों करके अंदर तृष्णालू है, अंदर तृष्णा दी अग लगी हुई है। संतोख किथे है, सच तो बिना संतोख नहीं। कहने जे कूड़ दे त्याग लई तू सच नूं प्राप्त करन लई वर्त रख लवे तू समझ लेगा कि तेरा संतोख रूपी तीर ते स्नान हो गया। संतोख दा स्वरूप की है ये विचारना पेगा। संतोख किसनूं कहिंदे ने, मैं परमात्मा दे कोलों एक शेर मंगया, मैनू एक शतांक मिल गया, मैं एक शतांक दा शुकराना करां ते 15 शतांकां ना मिलण दा रोस ना करां फिर संतोखी हाँ। आखो वाहिगुरु,
जो परमात्मा को मिल गया उसका शुकराना करा, जेड़ा परमात्मा तो नहीं मिलिया उसका रोस ना करा। ते मैं कहां मेरा तो भांडा छोटा सी, तुसी भर दिता, आखो वाहिगुरु, फिर तो संतोखी हाँ। जे मैं लै भी लैंना जेड़ा नहीं मिलिया उसका रोस भी करी जाना। तो साहब ने ऐसे बंदे नू एक गल कही, देंदे थावो दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए। मनमुख किसनू पछाणीए, जेड़ा देंदे नालों दिते नू चंगा समझे, दाते नालों दाते दियां वस्तुआं नू चंगा समझे, दाते नू नहीं। जेड़ा दाता नू प्यार करे दाते नू नहीं, वह मनमुख है। कहिंदे संतोख तीर्थ ज्ञान त्यार इशनान ऐसा, कहिंदे संसार दे लोकी पुजारी हन, पूजा करते हैं, अनेक प्रकार के अपने अपने इष्टां दी, पर जिस दे अंदर सच वस गया है उसकी पूजा है दया, दया देवता, उसलिए देवता है दया। आखो वाहिगुरु, मैं बेनती करा जे साडे जीवन विच दया नहीं ना आई तो असी धर्मी भी नहीं। जे धर्म विच दया नहीं तो धर्म नहीं। बोले सी भगत तुलसीदास भी, दया धर्म का मूल है। आखो वाहिगुरु, साहब सच्चे पातशाह जपजी साहब कहिंदे ने, तौल धर्म दया का पूत, दया देवता, खिमा जप माली ते मानस प्रदान। जे तू अनेकां यतना करन दे बावजूद भी तेरा किसे ते मन नहीं द्रव्या, तू परमात्मा की प्राप्ति ते एक पासे रही, परमात्मा की प्राप्ति के रस्ते ते भी नहीं तुरिया। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह को कैसे गवै। जे अंदर दया नहीं तो फिर खिमा किथे है। आखो वाहिगुरु, जदों पितर बाणी दे दर्शन किते, मैं सत्यार दे जीवन नू वेखिया, त्यों लग्या मेरे सतगुर कहिंदे ने सब तो चंगी करनी केड़ी है। आखो वाहिगुरु, कहिंदे सत संतोख दया कमावै इह करनी सार, सारियां करनियां चों वड्डी करनी है सत संतोख ते दया नू कमाउणा। जे साडे विच दया नहीं, होर वर्त रख भी ले पर कूड़ नू नहीं त्याग गया। आखो वाहिगुरु, गुरु रूप शीशा सच्यार दा जीवन दसदा होया उह कहिंदा है, सच्यार सिर्फ दया दियां गल्लां ही नहीं सुणाउंदा, सिर्फ दया दे लैक्चर ही नहीं करदा। आखो वाहिगुरु, दया नू कमाउंदा भी है। देखो गल्लां तां दया दियां मैं भी बहुत सुना लांगा, पर वेख्या तां जाएगा कि मेरी दया कमाई किन्नी है। आखो वाहिगुरु, दया नू कमाउणा भी है। मैं बेनती करां, धर्मी कहलाउण दे नाल कोई धर्मी नहीं हुंदा, धर्मी बनण दे नाल धर्मी हुंदा है। सिख कहलाउण दे नाल कोई सिख नहीं, सिख बनण दे नाल कोई सिख हो सकदा है। सतसंगी कहलाउण दे नाल कोई सिख सतसंगी नहीं, सतसंगी बनण दे नाल कोई सतसंगी हो सकदा है। ते दया दियां गल्लां करन वाल कोई दया दयावान नहीं हो सकदा, अपने आप नूं कहलाउण दे नाल कोई दयावान नहीं हो सकदा, दया नूं कमाउण दे नाल ही कोई दयावान हो सकदा। आखो वाहिगुरु, गुरु सत्यार सिर्फ दया दियां गल्लां सुणाउंदा नहीं, ओ तां ऐसा है गुरु जिसने दया कमाई है, जिसने पहले जामे विच भी गल कही सी, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट। आखो वाहिगुरु, देख ये पांदे ओ मैनू दया कपाह वाला, जे तेरे कोल है जनऊ मैनू पा दे। जे पहले जामे विच सत्यार ने जबरदस्ती जनऊ नू पहनिया नहीं, पहनाउण नहीं दिता, ते नामे जामे विच जबरदस्ती जनऊ उतारन भी नहीं दिता। आखो वाहिगुरु, क्योंकि सच ते पहरे देण वाला उसने सच ते पहरा देना है। आखो वाहिगुरु, सच्यार ने हमेशा सच ते पहरा देना, अपना बलिदान तो दे देगा, लेकिन
दया बनता है, नफरत नहीं, आखो वाहेगुरु। सारिआं नाल प्यार बनता है, सारिआं विच परमात्मा की जोत दर्शाउंदा है। मझ काले रंग की हो सकती है, गऊ भूरे रंग की हो सकती है, पर प्यारियो दुध का रंग तो दोनों में सफेद ही होएगा। काली मझ ने काला दुध नहीं देना, पूरी गऊ ने पूरा दुध नहीं देना। परमात्मा की जोत भी सारिआं विच इको जी है, आखो वाहेगुरु। अंतर नहीं है, कट कट में हर जू बस है। जे परमात्मा की जोत सारिआं विच इको जी है तो सच्यार परमात्मा की जोत नू सारिआं विच इको जिहा वेखदा होया सारिआं नाल प्यार करता है, आखो वाहेगुरु। कुराहे पिया होया नू राहे पाउणा सच्यार दा कम है। अंधकार विच फसिया होया नू अंधकार तो मुक्त करवाउणा सच्यार दा कम है। दूसरिआं दे दुख अपनी झोली विच पा के दूसरिआं नू सुख वरसाउणे सच्यार दा कम है, आखो वाहेगुरु। क्योंकि सच हकीकत है, कूड़ मुलम्मा है, सच हकीकत है, कूड मलम्मा है। जे सच हकीकत है तो सच्यार मजबूरियां अगे झुकदा नहीं, आखो वाहिगुरु। लेकिन मजबूरियां नाल जूझदा। सच्यार दुख अगे समर्पण नहीं करता, लेकिन दुख लई जूझदा। सच्यार मजलूमा दा सहारा बनदा ते बोलदा। गुरु सच्यार बोलदा, जे तेरे कोल धन है ते जिन्हां कोल नहीं निर्धन नूं वंड दे। जे तेरे कोल विद्या है अनपढ़ां नूं वंड दे। जे तेरे कोल चानण है हनेरे वालियां नूं वंड दे। जे तेरे कोल सुख हन दुखियां नूं वंड दे। जे तेरे कोल दया है नफरत विच वंड दे, नफरत वालियां नूं वंड दे। जे तेरे कोल सहारा है बेसहारियां नूं वंड दे। लेकिन वंडण लग्यां एक ख्याल करी, अपने तो वड्डे नूं दई ते सत्कार करके, छोटे नूं दई हंकार ना करके। ये सच्चा सौदा है। दुखियां दा सहाई होना, लोड़वंदा दी लोड़ पूरी करनी, सच्चा सौदा है, आखो भाई। भुखियां नू भोजन छकाउणा, अनपढ़ां नू विद्या देना, आखो वाहिगुरु। बेसहारे नू सहारा देना, ये सच्चा सौदा है, आखो भाई। नफरत वालियां नू प्यार बनना सच्चा सौदा है। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਕਲਮ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਚਿਆਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਕਲਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਆਹ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ।